हर इलेक्शन में आपने देखा होगा बीजेपी ने कभी भी मुद्दे पे एजेंडे पे लड़ाई नहीं लड़ी हो, कभी भी उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया, उन्होंने कभी भी शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाया, स्वास्थ्य को मुद्दा नहीं बनाया। अंत में वो धर्म और जात की ही राजनीति करते हैं, अंत में वो मंदिर और मस्जिद की ही राजनीति करते हैं। रेणु देवी जी कह रही हैं कि जेडीयू और अन्य जो पार्टियां हैं, हम और अपने ही सहभागियों पे इस तरह का अगर वो लगा रही हैं, लांछन अगर लगा रही हैं वो, तो क्यों, क्या मजबूरी है उनकी कि वो इस तरह का गठबंधन निभा रही हैं? चंद जो मुट्ठी भर लोग जो है ना, वो बहुत बड़े तादाद जनसंख्या और जाति के संख्या वाले लोगों पे हुकूमत करते आई है, और यही उनका डर है। यही डर के कारण वो जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते, क्यों? वर्तमान गठबंधन की सरकार जो है ना, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। जो देश जय जवान जय किसानों का देश है, जो भारतवर्ष में अभी भी 70% लोग जो है वो कृषि पे ही आधारित है, जहां उद्योग और रोजगार नहीं है, वहां के लोग नेता जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, इस तरह की उदासीन रवैया अपना रहे हैं, किसानों के प्रति शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, माने कि आप लोग रोटी नहीं खाते होंगे, आप गोबर खाते होंगे, हमारे तो लोग अभी भी रोटी खाते हैं, और उस रोटी को उपजाने वाले किसानों के साथ समर्थन में हम हमेशा से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले अपना भ्रम हटा लें कि वो जंगल राज का ढोंग करके लोगों को गुमराह करके वोट ले, क्योंकि जनता ने उनको नकारा है। सही मायने में तो राक्षस राज अभी है, पिछले 15 साल का दौर है जहाँ छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ। आपने देखा ना, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, गया का भी एक गृह कांड है, और प्रतिदिन प्रदेश में हो रही महिलाओं पे, बच्चियों पे बलात्कार और हत्या। जातीय जनगणना पर रेणु देवी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आरजेडी जो है वो वोट राजनीति करती है, और इससे जो है वोट राजनीति करने का जो है ये सब तरीका है आरजेडी का। जदयू पर उन्होंने कटाक्ष किया है, हम पार्टी पर उन्होंने कटाक्ष किया है, आपने ही गठबंधन के साथ उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरे देश में लोग जानते हैं कि जाति और धर्म की ध्रुवीकरण की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर ये नहीं करती तो एक बारी तो हमारे प्रधानमंत्री स्वयं बिहार की इलेक्शन के टाइम में आकर के जनता को संबोधित किया, तो कहते कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे उनकी क्या कहने की मजबूरी थी? हर इलेक्शन में आपने देखा होगा बीजेपी ने कभी भी मुद्दे पे एजेंडे पे लड़ाई नहीं लड़ी हो, कभी भी उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया, उन्होंने कभी भी शिक्षा को मुद्दा नहीं बनाया, स्वास्थ्य को मुद्दा नहीं बनाया। अंत अंत तक लाख वो गुणगान करते रहे अपने कार्य प्रणाली की, अपनी सत्ता की, अंत में वो धर्म और जात की ही राजनीति करते हैं, अंत में वो मंदिर और मस्जिद की ही राजनीति करते हैं। तो आप बताएं मुझे कि जात पात की, धर्म की राजनीति कौन करता है? बीजेपी आरएसएस की जो कहते हैं कि जनक है, उनके ज्यादा कोई करता है जाति और धर्म की राजनीति? बिल्कुल नहीं। और अगर हमारी रेणु देवी जी कह रही हैं कि जेडीयू और अन्य जो पार्टियां हैं, हम और अपने ही सहभागियों पे इस तरह का अगर वो लगा रही हैं, लांछन अगर लगा रही हैं वो, तो क्यों, क्या मजबूरी है उनकी कि वो इस तरह का गठबंधन निभा रही हैं? उन्हें अलग होना चाहिए भाई, विश्व की नंबर वन की पार्टी बीजेपी मानी जाती है, बीजेपी को तो स्वतंत्र लड़ाई लड़नी चाहिए, उनकी क्या मजबूरी है? देखिए, असल में बात यही है कि चंद जो मुट्ठी भर लोग जो है ना, वो बहुत बड़े तादाद जनसंख्या और जाति के संख्या वाले लोगों पे हुकूमत करते आई है, और यही उनका डर है। यही डर के कारण वो जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जातीय जनगणना होने के बाद इनको अपनी असली औकात पता चल जाएगी कि चंद लोग हम हैं, और हम कितने बड़े समूह को गुमराह कर रहे हैं, उनके ऊपर हम राजनीति कर रहे हैं। तो असल मायने में इनका डर अपनी राजनीति अस्तित्व खत्म ना हो जाए, यही कारण है कि ये जातीय जनसंख्या और जनगणना से डरते हैं। किसानों ने जो भारत में बुलाया 27 तारीख को, उस पर भी उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में किसान नहीं मजदूर बुलाया जाता है, ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि वर्तमान गठबंधन की सरकार जो है ना, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। जो देश जय जवान जय किसानों का देश है, जो भारतवर्ष में अभी भी 70% लोग जो है वो कृषि पे ही आधारित है, जहां उद्योग और रोजगार नहीं है, वहां के लोग नेता जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, इस तरह की उदासीन रवैया अपना रहे हैं, किसानों के प्रति शर्म आनी चाहिए। देखिए, सही मायने में आप बताइए, बिहार में तो 2006 में ही एपीएमसी मार्केट समाप्त हो गया था, तो क्या बिहार के जो किसान हैं वो करोड़पति हो गए हैं? मुझे बताएं ये लोग, मुझे दे डाटा ये लोग कि एपीएमसी मार्केट समाप्त होने के बाद बिहार के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई।
तो हमारा भी मन हो सकता है बदल जाए, हमको भी लगेगा कि हाँ ये सही नीति है और जो भी ये इन लोगों का निर्णय है हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो तीनों काले कानून है ये कृषि विरोधी कानून है। तो ऐसे में जिस देश में 70% की आबादी कृषि किसानी पे अभी तक डिपेंड करती है, वहां आप कैसे, अरे भाई माने कि आप लोग रोटी नहीं खाते होंगे, आप गोबर खाते होंगे, हमारे तो लोग अभी भी रोटी खाते हैं और उस रोटी को उपजाने वाले किसानों के साथ समर्थन में हम हमेशा से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और इसी क्रम में आने वाले 28 तारीख को जो किसानों के द्वारा संपूर्ण भारत बंद कराने का आह्वान किया गया है, राष्ट्रीय जनता दल ने पहले भी समर्थन किया है कई तरह के, हम लोग जो चाहे भारत बंद हो चाहे ट्रैक्टर रैलियां हो, हमने हमेशा समर्थन किया है किसानों को और आगे भी निश्चित रूप से हम करते रहेंगे। एक सवाल ये कि लगातार बिहार में अपराध घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है, राजधानी पटना में दिन दहाड़े स्नैचिंग की घटनाएं, मोबाइल छीनने की घटनाएं या मर्डर की घटनाएं, गोलीबारी घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश जी वोट ले जाते हैं बिहार के जनताओं का, क्या अब उसी जंगल राज के ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार जी बन गए हैं? देखिए नीतीश कुमार जी पहले अपना भ्रम हटा लें कि वो जंगल राज का ढोंग करके लोगों को गुमराह करके वोट ले, क्योंकि जनता ने उनको नकारा है। थर्ड ग्रेड की पार्टी के थर्ड ग्रेड मंत्री मुखिया लोग क्या बोलेंगे अपनी पार्टी के बारे में, जंगल राज के बारे में? सही मायने में तो राक्षस राज अभी है, पिछले 15 साल का दौर है जहाँ छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ, आपने देखा ना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, गया का भी एक गृह कांड है, और प्रतिदिन प्रदेश में हो रही महिलाओं पे बच्चियों पे बलात्कार और हत्या। लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ कानून की काली किताब खुली हुई है। वर्तमान सरकार जो है वो शैतान की किताब से अपनी सत्ता चला रही है। तो जिस जहाँ प्रदेश में शैतान की किताब खुल गई होगी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर किस नाम की चीज होगी? यहाँ की पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ शराबों को तस्करी करवा रही है और उनसे पैसे वसूल रही है। तो चोर और गुंडे और मवालियों का तो मनोबल बढ़ेगा ही। जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में महिला का चेन खींच लिया गया तो आप समझ लीजिए कि उस प्रदेश के बाकी और हिस्से की क्या स्थिति होगी। तो बिहार में आज के डेट में कानून की काली किताब, वर्तमान सरकार की शैतानी किताब से सत्ता चलाया जा रहा है, और यही कारण है कि बिहार में ना लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है ना ही कोई व्यवस्थित चीज है।